महाकाल की नगरी उज्जैन में महाकाल ज्योतिर्लिंग के अलावा 84 महादेव भी स्थापित हैं, जिनका अपना अपना अलग महत्व है। इन 84 महादेवों के दर्शन करना बेहद लाभकारी होता है। आइए जानते हैं इन 84 महादेव के महत्व एवं इनके इतिहास के बारे में। उज्जैन के राम घाट पर राम सीढ़ी के नीचे स्थित अरुणेश्वर महादेव 84 महादेवों में 76वें नंबर के महादेव हैं। स्कंद पुराण के अनुसार पहले देवयुग में प्रजापति के दो कन्या थी, क्रदु और विंता। उनका विवाह कश्यप से किया गया। कश्यप ने आशीर्वाद दिया था कि क्रदु के 1000 नाग उत्पन्न होंगे, विंता के 2 पुत्र होंगे। तब कश्यप संन्यास लेकर वन में चले गए। क्रदु ने जो अंडे दिए थे उन्हें 500 वर्ष तक एक पात्र में रखा गया। 1000 नाग उत्पन्न हुए। अंडों का सेचन करने पर भी उनसे कोई पुत्र उत्पन्न नहीं होता देख तब विंता ने उन अंडों को फोड़ दिया। एक अंडे से आधे शरीर वाला पुत्र उत्पन्न हुआ। उसने अपनी माता को जल्दी करने के कारण शाप दिया कि वह दासी होगी। इस प्रकार रोते हुए माता को शाप देकर अरुण खड़े थे। तब नारद जी उपस्थित हुए। उन्होंने अरुण को आश्वस्त किया और कहा कि वह महाकाल वन में जाए। वहां यात्रेश्वर के उत्तर में एक लिंग है, उसकी पूजा करने से उसका कष्ट दूर हो जाएगा। तब अरुण महाकाल वन में गया और उसने इस लिंग की पूजा की। लिंग ने अरुण से कहा कि वह सूर्य भगवान के रथ का सारथी बने। तुम्हारे उदय होने के पश्चात सूर्य का उदय होगा। अरुण के नाम से इस लिंग का नाम अरुणेश्वर हुआ। जो मनुष्य कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को अरुणेश्वर का दर्शन करते हैं उनके पितर स्वर्ग का भोग करते हैं। जो संक्रांति और रविवार को अरुणेश्वर का दर्शन करते हैं उन्हें कार्तिक स्वामी की यात्रा का फल प्राप्त होता है। चौरासी महादेवों के महत्व को जानने के लिए और उनके साक्षात दर्शन के लिए हमारे YouTube चैनल को आज ही सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक व शेयर करें ताकि बाकी लोग भी इसके महत्व और इनकी महत्ता के बारे में जान सकें। ओम नमः शिवाय।